दोस्तों आ गए हम एक और बार संडे में क्यू एन ए वाली वीडियो को लेकर। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्यू एन ए वाली वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। और जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता दूं कि हम लोग जो है टॉकबैक, स्क्रीन रीडर और दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत सारी जो है सवाल पिक करते हैं और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वीमेंस के लिए भी अलग से ग्रुप बनाए गए हैं तो वो भी वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। लगभग 420 वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो जाइए उन 420 वीडियो का आप मज़ा उठाइए। काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी आपको वहाँ से सीखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं हूँ आपका दोस्त जीतू राज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। और हाँ, वीडियो में लाइक की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों यहाँ पर सवालों की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो सभी के साथ शेयर जरूर कर देना। शेयरिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नीचे है और लाइक की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर कम हुए तो हमें लगता है वीडियो सही नहीं बना। और शेयर बिल्कुल आपको सभी के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यहाँ पर पहला सवाल है पवन जी का, ये पूछते हैं टॉकबैक के पुराने वाले वर्जन यानी कि सस्पेंड रिज्यूम वाले वर्जन में कैसे शिफ्ट हो पाएंगे हम। तो कोई सेंस नहीं बनता उस टॉकबैक में शिफ्ट होकर, बहुत सारे ऑप्शन उसमें नहीं है। लेटेस्ट टॉकबैक में थोड़े से प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन आप फीडबैक दोगे आने वाले समय में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अश्विनी जी यहाँ पर पूछती हैं कि जियो क्विज कैसे खेले, डिटेल में बताएं। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे, आप वेट करिए। थोड़ा सा इनएक्सेसिबल है, लेकिन वीडियो बना देने के बाद आप अच्छे से खेल पाओगे। पायल जी यहाँ पर पूछती है कि कौन सा हेडफोन और ईयरफोन अच्छा है। देखिए, हर एक कंपनी में जो है अलग अलग जो है ऑप्शन होते हैं और अपने अपने एक अलग अलग क्वालिटी होती है। मैं पर्सनली जो है सोनी बोट और JBL के यूज़ करता हूँ। वैभव जी यहाँ पर पूछते हैं कि एक्सेल फाइल को फ़ोन में कैसे रीड करें, गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हो आप। आरोग्य निधि भारतवर्ष पूछते हैं क्रोम का सारा डेटा कॉपी कैसे करें, यूनिवर्सल कॉपी का यूज़ कर सकते हो, इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है हमने। हर्षद प्रजापति जी पूछते हैं पुराना अकाउंट डिलीट करके नया कैसे बनाए। तो अकाउंट डिलीट करने के लिए ऑप्शन वीडियो हमने बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। और नया बनाने के लिए काफ़ी आसान है, आप इजीली जो है बना सकते हो नया अकाउंट। यहाँ पर शिखर जी, नाम इनका समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा ही अजीब सा नाम है, ये पूछते हैं GB व्हाट्सअप सिक्योर है या फिर ऑफिशियल व्हाट्सअप। ऑब्वियसली ऑफिशियल व्हाट्सअप सिक्योर है। आगे देखते हैं, तुकाराम जी पूछते हैं यदि हम किसी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर दें तो अनसब्सक्राइब कैसे करें। उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर भी कर सकते हो, अगर आपको उनके मेल आते हो तो मेल से भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपली नोटिफिकेशन से उनकी नोटिफिकेशन बंद कर दो। इससे अनसब्सक्राइब तो नहीं होगा, लेकिन नोटिफिकेशन आने बंद हो जाएंगे। सुमन जी पूछते हैं क्या एक ब्लाइंड व्यक्ति वीडियो बना सकता है, तो फिर अगर बना सकता है तो कैसे बना सकता है। ओपन कैमरा से बना सकता है, बस आपको थोड़ा सा अंदाज लेना होगा, मुश्किल है लेकिन बना सकता है। अगर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो बनानी होगी तो वो तो बड़ी आसानी से बना सकता है। टेक विथ फिनिक्स जी यहाँ पर पूछते हैं कि ओपन कैमरा फेस नहीं बताता और गूगल कैमरा भी नहीं बताता पिक्सल फ़ोन में, तो फिर आपको आपके फ़ोन का अपडेट आने का वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी नॉर्मल डिवाइसेस में बताता है ओपन कैमरा फेस। विजय जी यहाँ पर पूछते हैं क्या जियो चैट से स्टोरी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करो सर, हो जाएगा डाउनलोड। सुमित जी यहाँ पर पूछते हैं टॉकबैक जो है टॉकबैक 12 सिस्टम UI बोलता है, इसका सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन तो गूगल टॉकबैक ही कर सकता है, प्ले स्टोर में आप फीडबैक दीजिए, आने वाले अपडेट में हो जाएगा। राजा जी यहाँ पर पूछते हैं कि वीडियो शेयर क्यों नहीं करते, हम वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो शेयर करने के लिए आप लोगों ने मेहनत करनी चाहिए, इसीलिए हम वीडियो शेयर नहीं करते, आप लोग शेयर करो। नागेंद्र जी यहाँ पर पूछते हैं कि बेस्ट एप्लीकेशन बताएं लिरिक्स सॉन्ग में ऐड करने के लिए। वी एंड वीडियो एडिटर जो है आप यूज़ करिए, उसमें आप लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। विवेक जी पूछते हैं हैंड राइटिंग कीबोर्ड ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल है या नहीं। देखिए, अगर आपको नॉर्मल लिखना आता है और आप थोड़े से लो विजन हो तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, टोटल ब्लाइंड के लिए एक्सेसिबल नहीं है। नितिन जी पूछते हैं मोबाइल का बैकग्राउंड डेटा ऑन रखना चाहिए या ऑफ रखना चाहिए। देखिए, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट करिए, पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन आपको यूज़ में आती है उसका ऑन रखिए, बाकी एप्लीकेशन का बंद करके रखिए। राहुल जी पूछते हैं जी व्हाट्सअप को यूज़ करने में कोई ख़तरा तो नहीं है। आपने सवाल ही पूछ लिया तो ख़तरा यहीं से शुरुआत हो गई है ना। आप जी व्हाट्सअप को मत यूज़ करो, ऑफिशियल व्हाट्सअप यूज़ करो। जयप्रकाश जी पूछते हैं रेडमी के मोबाइल में सेकंड स्पेस का ऑप्शन कहाँ आता है। नोट 10 में नहीं है, बाकी सभी फ़ोनों में है सेकंड स्पेस का ऑप्शन। रेडमी नोट 10 अगर आपके पास होगा तो उस पर सेकंड स्पेस नहीं है, आप अपने फ़ोन में एडिशनल सेटिंग में जाके चेक कर लीजिएगा। मोहम्मद हमजा जी पूछते हैं हमें हमारे फ्रेंड को व्हाट्सएप में लंबी वीडियो कैसे सेंड करें, अटैच में जाके सेंड कर सकते हो 100 MB तक की।
कुरेशी जी यहाँ पर पूछते हैं, Xiaomi के फ़ोन में कीबोर्ड को डबल टैप कैसे करें? टॉकबैक में एडवांस में जाके डबल टैप टाइपिंग ऑन करके देखिए, हो जाएगा, नहीं तो फिर ट्रू फोन इंस्टॉल कर लीजिए। वैभव जी बोलते हैं, ऑफलाइन वॉइस टाइपिंग के लिए कोई कीबोर्ड बताइए। देखिए, ऑफलाइन वॉइस टाइपिंग के लिए जो है आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन तो बहुत सारे प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, पर्टिकुलर कीबोर्ड नहीं मिलेगा, है ना। आप ऑफलाइन वॉइस टाइपिंग के लिए एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी ढंग से काम नहीं करते, इंग्लिश ही टाइपिंग करते हैं। मुकेश जी कहते हैं, गेट साउंड नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट साउंड। देखिए, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जो है साउंड नोटिफिकेशन लगा सकते हो, इसके लिए आपको ये आता है, आप वहाँ से अपनी सेटिंग को एडिट कर सकते हो। मोहम्मद अली जी पूछते हैं, जब फ़ोन में कुछ भी देखते हैं तो ऐड आ जाती है, ऐड रिमूव करने के लिए हमने वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। वीडियो के अंदर क्या लिखा है ये हम कैसे पढ़ सकते हैं? अगर वीडियो पूरे वीडियो में एक ही चीज़ लिखी है तो स्क्रीनशॉट निकाल के देख सकते हो, या फिर अगर कैप्शन आ रहे हैं तो यूट्यूब में आपको हाल फिलहाल में कैप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप गैलरी की वीडियो की बात करें तो पॉसिबल नहीं है। राठौड़ जी पूछते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते समय गूगल टॉकबैक की आवाज़ सामने वाले को सुनाई देती है, इसको बंद कैसे करें? तो नहीं कर सकते आप इसको बंद, है ना। आगे देखते हैं, अल्ताफ अहमद जी पूछते हैं कि कीबोर्ड में टाइपिंग करते समय अल्फ़ाबेट्स भूलता है, नए टॉकबैक में समस्या है, आप टॉकबैक में फीडबैक दीजिए प्ले स्टोर में जाके, तो सॉर्ट आउट हो जाएगा आने वाले अपडेट में। कुलदीप जी पूछते हैं, फ्रीलांसर हम लोगों के लिए एक्सेसिबल है या नहीं? जी बिल्कुल, फ्रीलांसर वेबसाइट हम लोगों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल है, और आप वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हो अपने लिए। अगर आप डिटेल में फ्रीलांसर के बारे में जानना चाहते हो तो जरूर बताएगा, वीडियो इस पर बना देंगे। टेक्नोलॉजी फॉर वी आई ये पूछते हैं, टेलीग्राम की चैनल की लिंक कैसे बनाए? इसके लिए टेलीग्राम पे हमारे लगभग 2-3 वीडियो बने हुए, आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। मोहित जी पूछते हैं, FL Studio क्या ये एक जो है रिकॉर्डर एप्लीकेशन है? मतलब आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बीट ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। महमूद जी पूछते हैं कि फ़ोन कॉल समय टॉकबैक जो है बोल रहा है, तो देखिए टॉकबैक का प्रॉब्लम है, मैंने इस वीडियो में बहुत बार बोला है, जिन जिन का टॉकबैक का प्रॉब्लम है वो लोग प्ले स्टोर में जाके फीडबैक दे सकते हैं। अपने फीडबैक आप जितने देंगे उतनी जल्दी टॉकबैक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, बस आपको जाके अपने अपने प्रॉब्लम जो है टॉकबैक में जाके प्ले स्टोर में जाके देना है, रिप्लाई देना है। यूजन महाराज जी पूछते हैं कि विंडोज़ में फोल्डर कैसे बनाएं, जिप कैसे बनाएं, मूव कैसे करें, कॉपी कैसे करें? सर एक सवाल में इतना सब पूछ लिया आपने, कैसे बता पाएंगे? इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे आपके लिए। किरण जी पूछते हैं कि गूगल फाइल में क्लीन वाला ऑप्शन है, हमेशा ज़ीरो बताता है, तो देखिए गूगल फाइल में अगर आप एक बार क्लीन कर देते तो खुद ही बार बार जो है जंक क्लीन करने लगता है ना, खुद ही क्लीन कर देता है, तो इसके लिए आपको ज़ीरो ही बताता है। वैसे एंड्रॉयड में क्लीन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप मैन्युअली जो है क्लीन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सबके साथ शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाइए ग्रुप में जुड़ जाइए। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है तो भी वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं। सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।